नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस में तानाशाह नहीं, वहीं दूसरी ओर भाजपा को केवल दो लोग चलाते हैं। बिना शर्त किया है कांग्रेस में विलय, वहीं शर्त से आता है स्वार्थ। मेरी प्राथमिकता भिवानी विधानसभा और व्यवस्था परिवर्तन एक लक्ष्य है। जी हां, नीलम ने हाल ही में अपनी समस्त भारतीय पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है। आपको बता दें कि समस्त भारतीय पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष नीलम अग्रवाल अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पहली बार भिवानी में मीडिया से रूबरू हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिना शर्त के अपनी पार्टी का विलय किया है, क्योंकि शर्त रखने के बाद स्वार्थ शुरू होते हैं। उन्होंने कहा, हमारा केवल एक लक्ष्य है, वही है व्यवस्था परिवर्तन। बता दें कि नीलम अग्रवाल का विदेशों में बहुत बड़ा व्यापार है और वो देश के टॉप अरबपतियों में शामिल है। विदेशों में नाम और पैसा कमाने के बाद नीलम अग्रवाल ने अपने पति सुदेश अग्रवाल के साथ हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज सेवा शुरू की और 2008 में समस्त भारतीय पार्टी बनाई। समस्त भारतीय पार्टी ने हरियाणा विधानसभा में चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत से दूर रहने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के बाद नेता बनी नीलम अग्रवाल ने मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब मिल करके उम्मीदवारों की मदद करते हैं। वहीं अग्रवाल ने कहा कि मेरा सपना भिवानी में आधारभूत ढांचे को बदलने का है, ताकि यहाँ पर अच्छे शिक्षण संस्थान बनाए जा सकें, उद्योगों को शुरू किया जा सके और चिकित्सा सेवाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। वहीं नीलम अग्रवाल ने बातों बातों में कहा कि भिवानी विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी जता दी है। वहीं अब समय बताएगा कि वो कांग्रेस में कल्चर और कलह में समा करके टिकट रूपी समुंदर को कैसे पार कर पाती हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट, भिवानी से अमन शर्मा के साथ। क्या है वो बिना किसी शर्त के, क्योंकि अगर हम शर्तों से हम विलय करते तो ये स्वार्थ की राजनीति हो जाती कि मुझे इसकी टिकट चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। हमने बिना किसी शर्त के किया है, क्योंकि आज दो ही नेशनल लेवल की पार्टीज हैं जो कि इस देश के अंदर देश को चला रही हैं। और हमने बहुत विश्लेषण किया दोनों पार्टियों में जाने से पहले कि किस में जाना चाहिए, तो हमें कांग्रेस में कुछ ऐसा लगा जो हमारे सिद्धांतों से विचारों से मिलता हुआ नज़दीकी तौर पे लगा, तो हमने इसलिए कांग्रेस में विलय किया है। बीजेपी में कमी ये थी कि 2014 के अंदर जब वो आए इलेक्शन जीते तो एक बड़ी उम्मीद जगी हम लोगों के मन में भी, जनता के लोगों में भी, सब में एक नया रोल मॉडल हमने देखना शुरू किया कि जो एक गुजरात मॉडल हमें जो दिखाया गया कि ये इसी तरह से गायब होगा, लेकिन किया गया तो लगा कि जब हमने जो बोल के चुनाव जीता था, हम लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और ये सारा कुछ जो कुछ अच्छी चीज़ें बोली गई थी वो नहीं, रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार पर ईयर हम लोग क्रिएट करेंगे, वो सब नहीं हुआ, तो लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है। जनता को आज वादों की या अच्छे सपनों की ज़रूरत नहीं है, धरातल के अंदर उनको काम होता दिखना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद बिना किसी शर्तों के हमने कांग्रेस के अंदर विलय किया है। मेरी विधानसभा की रहेगी, ये तो वक्त बताएगा, जहाँ से हाईकमान या बड़े वो लोग फैसला करेंगे, हम उस तरह से इस चीज़ का फैसला करेंगे। हम आप खुद जानते हैं कि मुझे 2009 से मैं भिवानी के अंदर बैठी हूँ और इसको बहुत अपना समझा है। यहाँ के लोगों की मुझे बहुत मोहब्बत मिली है और बहुत काम किए हैं मैंने। जैसे लीडर फैसला करेंगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे। देखिए ऐसा है, गुटबाजी तो नहीं है बिल्कुल। जब आप अगर हमारा वो सारा देखें जहाँ हमने AICMC में विलय किया है, उस मंच के ऊपर हर नेता मौजूद था,
अगर गुटबंदी होती तो मैं एक ही नेता से एंटर करती जो आज कहीं भी जाकर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हर नेता वहाँ अवेलेबल था। कांग्रेस में अच्छा ये लगा कि डिक्टेटरशिप नहीं है, जो जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो डेडी जो दिया गया है, पद दिया गया है, जो अथॉरिटीज जो अधिकार दिए गए हैं वो उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से अलाउ किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि एक या दो आदमी की पार्टी है लेकिन उसमें जो बैठे हैं उसमें कोई भी नहीं काम कर पाता, सिर्फ दो ही व्यक्ति काम करते हैं, तो लगा कि अगर उसमें भी जाते हैं तो हमें जो हम यहाँ करने के लिए आए हैं अगर हम वो कर ही नहीं सके, जनता का संतुष्टि नहीं कर सके, तो उसमें जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो यही सोच लेकर हम लोगों ने कांग्रेस के अंदर विलय किया है जी।